एंड वेलकम, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं टुडेज साउथ, जहां पर होता है आपका साउथ फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। राजा मौली की फिल्म ट्रिपल आर आए दिन खबरों में बनी रहती है और इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है और इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इस फिल्म को 300 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। राजा मौली द्वारा निर्देशित ट्रिपल आर एक बड़ी फिल्म है। राजा मौली बाहुबली की तरह एक अद्भुत आश्चर्य के बाद पहली बार करने के लिए तैयार है। फिल्म को महत्वाकांक्षी रूप से 300 करोड़ रूपए के बजट के साथ बनाया जा रहा है। मेगा पावर स्टार रामचरण और यंग टाइगर एनटीआर फिल्म के नायक हैं। राजा मौली के साथ सिनेमा कोई साधारण बात नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। 5 साल तक बाहुबली के लिए काम किया जकन्ना ने। हम आपको बता दें कि रामचरण और जूनियर एनटीआर एक साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए कंपनी को रामचरण और जूनियर एनटीआर को शूटिंग के पूरे दिन के लिए प्रतिमाह 10 लाख रुपए का भुगतान करने का सहमत हुई है। इसका मतलब यह है कि पारिश्रमिक के अलावा हर महीने 10 लाख रुपए इन दोनों स्टार को देगी। इसी के साथ राजा मौली, जो एक परिवार द्वारा संचालित सिनेमा के रूप में काम करते हैं, वो अपने निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, जो मुनाफे का 50% देने के लिए सहमत हुए हैं। इसमें केरावनी, विजेंद्र प्रसाद और रामा राजा मौली की ग्रेजुटी शामिल है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और तमिल वरिष्ठ अभिनेता समुद्र खानी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस फिल्म में रामचरण के अपोजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी नजर आएंगी और इस फिल्म को देखने के लिए हम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। आप कितना एक्साइटेड है ये हमें जरूर बताए। साथ ही साथ इस फिल्म से जुड़ी नई अपडेट के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे हमारा चैनल टुडेज। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।